पिछले टाइम के बाद थोड़ा सा महंगाई को और इन सब चीज़ों को और लोगों की डिमांड को देखते हुए हमने एक्सपेंडिचर की लिमिट इस बार बढ़ाई है। तो पंच के लिए 27,500 रुपये रखी गई है, सरपंच के लिए 1,65,000, मेंबर पंचायत समिति के लिए 3,30,000 और मेंबर जिला परिषद के लिए 5,50,000 की खर्चा सीमा तय की गई है। हर एक कैंडिडेट को अपना एक रजिस्टर बनाना होता है और रजिस्टर वो इशू होगा जो रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ से, और जब चुनाव जैसे ख़त्म होते हैं तो उसके 48 आवर्स के अंदर उन्होंने अपना एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट देनी होती है। अगर कोई नहीं सबमिट करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। क्वालिफिकेशंस तो जैसे आपको याद होगा पिछली बार ही तय कर दी गई थी और कुछ लोग उसको लेके माननीय उच्च न्यायालय तक भी गए थे, लेकिन जो राज्य सरकार का स्टैंड था वो माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उचित ठहराया था। तो मेंबर जिला परिषद के लिए जो जनरल और बीसी की 10वीं है और विमेन और एससी के लिए 8वीं है, और एससी विमेन के लिए भी 8वीं है। मेंबर पंचायत समिति के लिए जनरल और बीसी के लिए 10वीं है, विमेन एंड एससी के लिए 8वीं है, एससी विमेन के लिए भी 8वीं है। और सरपंच के लिए 10वीं पास है जनरल और बीसी के लिए, विमेन एंड एससी के लिए 8वीं पास है, एससी विमेन के लिए 8वीं पास है। और पंच के लिए जनरल और बीसी के लिए 10वीं पास है, विमेन एंड एससी के लिए 8वीं पास है, एससी विमेन के लिए 5वीं पास है। तो ये क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं। इसका मेन मकसद तो यही है कि भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो ताकि उनको जो ग्राम सचिव या जो और अधिकारी कर्मचारी जो हैं बरगला ना सकें और वो अपना काम बखूबी कर सकें।